अस्सलाम वालेकुम। आज मैं एक और सीसीटीवी फुटेज के साथ हाजिर हूँ। ये फुटेज में आप देख सकते हैं, ये जो ब्लैक कार आके अपने घर के सामने रुकती है, इसमें एक बंदा है और इसके पीछे से ये देखें एक कार और गुजरी, ये एक रिक्शा है, इसके पीछे ये दो बाइक वाले को गौर करें, ये दो बाइक वाले हैं और इसके पीछे ये देखें ये भी बाइक पे दो बंदे आते हैं। और मैं इस तरफ दिखाता हूँ, इससे ये बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं आगे, और अभी देखेंगे ये कार आके रुकी और इसके साथ ये रिक्शा गुजरा। और ये देखें फिर ये एक और कार आके गुजरेगी और ये देखें इसके पीछे से अभी वो दो बाइक पे जो दो बाइक वाले हैं ये देखें बाइक पे, ये दोनों को देखें, ये दो बंदे बाइक पे 125 पे, इसके पीछे भी ये देखें दो बंदे 125 पे, एक आगे जाता है और एक टर्न होके आता है। और जैसे ही ये बंदा गाड़ी से निकलता है ये देखें ये इनके सामने आ जाते हैं। दोनों ने शलवार कमीज पहनी हुई है, एक ने लाल टोपी लगाया हुआ है, दोनों ने मास्क लगाया हुआ है। और इसके पास बंदे के पास जो सामान होता है ये बेचारा उससे ले जाते हैं। ये देखें ये दोनों भी मुलविस हैं इसमें, ये दो बंदे भी हैं, एक पीछे वाले ने कैप लगाया हुआ है, चारों ने मास्क लगाया हुआ, अपना फेस कवर किया हुआ है। और कराची के हालात इस तरह हो चुके हैं कि आप सोच नहीं सकते हैं। हर कराची का कोई इलाका ऐसा नहीं है जहाँ ये वारदात नहीं हो रही है। कराची के हर इलाके में इस तरह की वारदात हो रही है। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सब की हिफाजत फरमाए, हम सब के जानो माल की हिफाजत फरमाए।